भागलपुर की नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल की समर्थकों के द्वारा विजय जुलूस निकाला गया। विजय जुलूस में उनकी समर्थक नाचते गाते ढोल नगाड़े के साथ पूरे शहर का भ्रमण किया। इस दौरान खुली गाड़ी पर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपने समर्थकों के साथ सवार थी। समर्थक वसुंधरा लाल जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे, साथ ही जमकर नाच रहे थे। भागलपुर के पुलिस जिला नगोछिया के बेहपुर में जमालदीपुर के किसान सुनील सिंह उर्फ सुन्नी की पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में नगोछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज सोनवर्षा के पटवाला देरा उस जगह पहुंचे, जहां कुख्यात कन्हैया चौधरी ने जमालदीपुर के किसान सुनील सिंह उर्फ सुन्नी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। एसपी करीब एक घंटे तक देरा में रुके और बासा मालिक से जानकारी ली। जहां पर किसान को पीटा गया था वहां से ब्लड के सैंपल भी लिए गए, साथ ही बांस के डंडे को भी जब्त किया गया। इस दौरान हेडक्वार्टर डीएसपी सुनील पांडे, इंस्पेक्टर विनय कुमार, बेहपुर थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह, झंडापुर ओपी प्रभारी अजीत कुमार, भवानीपुर ओपी प्रभारी रमेश कुमार, खरीक थानाध्यक्ष सूबेदार पासवान, नदी थानाध्यक्ष आदि मौजूद थे। नगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कुछ अखबारों में छपी खबर कि नाम और जाति पूछकर किसान की हत्या की गई है, उसका खंडन करते हुए बताया कि कुख्यात बदमाश कन्हैया के घोड़ी के पैर में चोट लगी थी, जिसके चलते वो नाव में बैठकर लोगों से गमछा मांग रहा था। इसी बात पर सुनील सिंह से विवाद हुआ। कन्हैया के साथ एक और लड़का था, उसके बाद कन्हैया ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस कन्हैया को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है, जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हालांकि घटना जानकारी मिलते ही कल से लगातार छापेमारी की जा रही थी। इंस्पेक्टर भीपुर के नेतृत्व में 5-6 थानेदार थे, रेड लुक कर रहे थे। आप देखते हैं कितना एरिया खुला और फैला और छिपने काफ़ी जंगल है, घास उस है, उसका फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्द उसे हम लोग गिरफ्तार करेंगे, बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने SIT गठन भी कर दिया है, SDPO के नेतृत्व में कर दिया है, गिरफ्तारी होगी। लेकिन एक आपके माध्यम से मैं बात करना चाहूँगा और आम लोगों से अपील भी करूंगा। आज कुछ समाचार पत्रों में ये बातें आई कि उसे नाम पूछ करके उसकी पिटाई की गई और पिटाई के उपरांत इलाज क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। जब हमने पता किया, हम खुद यहाँ आए भी, बात किया लोगों से, और हमें कल भी फीडबैक ये मिल चुका था, जानकारी मिल गई थी, इसकी पुष्टि आप लोग कर लेना चाहते जो नहीं किया कि नाम पूछ के घटना नहीं है। घटना का मूल कारण है कि जो कन्हैया चौधरी जो क्रिमिनल है, जो इस केस में नेम्ड एक्यूज है अपने पिता के साथ, उन लोगों से भी कपड़ा गमछी मांगा कि सब पट्टी बांधे, नहीं दिया। उसी में फिर इसे भी जो मृतक से भी गमछी पट्टी मांगा, नहीं दिया। उसी में दोनों कुछ बहस हो गई थी। उसी के बाद ये इसके साथ एक लड़का और था जिसका मैं नाम शेयर नहीं कर रहा, वो दोनों मिल के से पीटते पीटते यहाँ लाया, और पीटने के बाद जब घर वालों को मालूम हुआ, थाना को मालूम हुआ, उसे इलाज के लिए लिया गया, यहाँ इलाज कर उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात का मतलब ये हुआ कि नाम पूछने के आधार पे कोई घटना ये नहीं है, घटना
अपना कारण क्या है, उसकी घोड़ी के पैर में चोट लग गया था, तो खून बह रहा था, पट्टी बांधने के लिए गमछी मांगा, गमछी नहीं देने और उसी में जो बहसबाजी हुई उसका घटना पत्नी थी। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई, प्राथमिकी दर्ज होगी, मृतक के पत्नी के फर्जबान पर प्राथमिकी हुआ है। कन्हैया और उसके पिताजी मनोज चौधरी दोनों थे यहाँ पर, इस बादशाह पे मारपीट किया है उन्होंने लिखा है, तो पिताजी के जो फादर है मनोज चौधरी की अरेस्टिंग हो गया है। कन्हैया भी लगातार फरार है, हम जल्द गिरफ्तार कर, और 3 अज्ञातों का भी है इसमें है, उसका पता भी कर लेंगे, वो जल्द गिरफ्तार करेंगे। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने नवनिर्वाचित भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल को अपने पद पर सुशोभित होने के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह कोई पार्टी की जीत नहीं है, ना ही इसमें दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी है, यह भागलपुर की जनता की जीत है और विकास की जीत है। भागलपुर को पढ़ी लिखी शिक्षित मेयर मिली है, हमें पूरा विश्वास है कि हम सभी मिलकर भागलपुर का विकास करेंगे और भागलपुर को स्वच्छ बनाएंगे। अगर कोई इसे पार्टी विशेष से जोड़ता है तो यह किसी भी हालत में गलत है। लेकिन आज अखबार में पढ़ रहे थे कि भाजपा समर्थित कोई चुनाव, ये जो मेयर डिप्टी मेयर कोई पार्टी विशेष पर नहीं हुआ है, इसलिए यह कहना अखबार के माध्यम से कि वो भाजपा से जुड़ी हुई, यह गलत है। जनता ने वोट विकास के नाम पर दिया है और नए लोगों को दिया है, चूंकि आदरणीय मेयर सीमा साहब पहले से मेयर रह चुकी थी, शहर का बहुत विकास, नगर निगम की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए जनता ने उम्मीद किया और मैं भी उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले उनको बधाई देते हैं जीत की और हम उम्मीद करेंगे, अब हम तो काम कर ही रहे हैं विधायक के नाते, वो भी मिलजुल के हम लोग सब लोग शहर को सुदृढ़ करने, सुंदर करने और स्मार्ट सिटी का जो रूप चयन हुआ है उसमें प्रदर्शित करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और फिर से उनको जनता की तरफ से भी बधाई देता हूँ कि आइए मिलजुल के काम करें। एक साल के अंदर नहीं, देखिए काम तो हो ही रहा है और हम लोग लगे हुए ही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो नगर निगम का पहले जो सेटअप था वो सही नहीं था और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये किसी दली पार्टी का चुनाव नहीं है, इसलिए कोई दल लेके चलेगा नहीं, इसलिए बिना दल का चुनाव हुआ, ये जनता के द्वारा चुने गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मिलजुल के हम लोग शहर का विकास सही ढंग से होगा और सरकार भी साथ देगी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वरितम शिक्षकों के सम्मान के रक्षार्थ TNB महाविद्यालय की वरीय शिक्षिका प्रोफेसर अर्चना शाह द्वारा दिए जा रहे अनिश्चितकालीन धरना के दूसरे दिन भी छात्रराज के कार्यकर्तागण उनकी मांग के समर्थन में विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में धरना में शामिल हुए। धरना समाप्ति के उपरांत प्रोफेसर शाह के मांग के समर्थन में 2 जनवरी से अर्थी जुलूस के माध्यम से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत करने को लेकर कुलानुशासक को आवेदन देते हुए छात्रराज के विश्वविद्यालय अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा राजभवन के निर्देश का उल्लंघन करते हुए सूबे के प्रतिष्ठित TNB महाविद्यालय में महाविद्यालय की वरीय शिक्षिका प्रोफेसर अर्चना शाह की वरीयता को दरकिनार कर अवैधानिक तथा नारी विरोधी कदम उठाते हुए उनसे कनीय शिक्षक प्रोफेसर सच्चिदानंद पांडे को महाविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य नियुक्त करने का कार्य किया गया। कुलपति के इस तानाशाही तथा मनमानी खिलाफ दिनांक 2 जनवरी 2023 को TNB महाविद्यालय भागलपुर से विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन परिसर तक कुलपति का अर्थी जुलूस निकाला जाएगा। 3 बार मैंने प्रतिवेदन दिया कि आई एम द सीनियर मोस्ट, लेकिन जो है उस पर कोई निष्पक्ष जो निर्णय होता है वो अभी तक हमें नहीं मिला है और हमसे काफ़ी जूनियर को प्रभारी प्राचार्य बना दिया गया है। और जो हमारी इच्छा है कि वरीयतम शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, उसके स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए, वो नहीं हुआ, इसलिए मैं ये कदम उठाने के लिए विवश हूँ कि अनिश्चितकालीन धरना अभी दे रही हूँ और अगर नहीं निष्पक्ष न्याय मिलेगा तो तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे और आगे आमरण अनशन भी करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वरीयतम शिक्षकों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का प्रश्न है और इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। रेल डाक सेवा भागलपुर के प्रांगण में सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मनोज कुमार मंडल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अभिलेख अधिकारी विभूति प्रसाद कापुरी, छटाई सहायक कृष्ण गोपाल प्रसाद एवं रेल डाक जनपदाधिकारी अर्जुन राम का विदाई समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान तीनों को अंगवस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विशेष अतिथि नवीन कुमार सिंह इंस्पेक्टर IRPT3 और कमलेश कुमार प्रशांत कुमार अनंत कुमार मोहम्मद सरफराज आलम उपस्थित थे।
इस वर्ष 2023 के आगमन पर इस्कॉन भागलपुर के द्वारा हरे कृष्णा उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मंत्र रॉक धुन पर हरे कृष्णा कीर्तन के साथ हरे कृष्णा उत्सव मनाया जाएगा। आधुनिक धुनों पर प्रभु के कीर्तन के साथ भक्त लोग झूमते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। आज के समय पर जब लोग नशे में धुत होकर नए साल की बुरी शुरुआत करते हैं, इस मिथ्या को तोड़ने के लिए इस्कॉन एक विशेष पहल कर रही है। समाज में एक अच्छा संदेश देने को लेकर इस्कॉन के द्वारा यह कार्यक्रम खाटू श्याम मंदिर भागलपुर में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। कृष्णा कीर्तन के साथ नए साल को मनाने के लिए गीता से संदेश भी दिया जाएगा। कार्यक्रम खाटू श्याम मंदिर के राधा कुंज हॉल में शाम को 6 बजे मनाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्कॉन के उपाध्यक्ष ईश्वर नामदास, संजय केजरीवाल, ललित डुकानिया शामिल थे। उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम भगवान कृष्ण के कीर्तन को आधुनिक धुनों के साथ में कीर्तन को करेंगे और भक्तों को नृत्य और कृष्ण कीर्तन के साथ में नए साल का स्वागत करेंगे। और ये एक संदेश होगा समाज के लिए कि कोई भी उत्सव को मनाने का ये भी एक तरीका है, हम भगवान की कृपा के साथ, भगवान के आशीर्वाद के साथ नए साल का स्वागत कर सकते हैं। और नए साल को मनाने के तरीके और किस तरह से समाज में गीता के संदेश को अपनाया जाए नए साल के अवसर पर, हम इसका संदेश भी कल देंगे। और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और बच्चों के कुछ भगवान के अलग अलग रूपों के ऊपर बच्चों का श्रृंगार होगा और जिससे बच्चे भी एक संस्कृति को स्वीकार करें हमारे सनातन धर्म की। और फिर भगवान के प्रसाद के वितरण के साथ ये कार्यक्रम सम्पन्न होगा। इसका ये कार्यक्रम कहाँ होंगे? ये कार्यक्रम खाटू श्याम मंदिर मंदरोजा में होगा। ये मंदिर के ऊपर राधा कुंज जो हॉल है उसी में ये संपन्न होगा। कितने दिनों का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम एक दिन का है, 1 तारीख को शाम को 6 बजे।